हेलो फ्रेंड्स, वैलेंटाइन के इस खास मौके पर आज हम आपके लिए लाए हैं टीवी के दो हैंडसम हंक्स, समृद्ध बावा और साहिल उप, जिन्होंने कम समय में अचीव की है ढेर सारी पॉपुलैरिटी फ्रॉम देयर शो स्वाभिमान। तो चलिए इन दोनों से ही जानते हैं इनकी रियल लाइफ वैलेंटाइन्स के बारे में। करण के लिए तो सारे दिन एक ही होते हैं, उसको वैलेंटाइन डे से आई एम श्योर कोई मतलब नहीं है। वो उसको हर दिन नैना को यही बोलता है कि मुझसे दूर रहे, वो आज भी यही बोलेगा, वैलेंटाइन डे तो क्या हो गया, दूर रहे। तो करण थोड़ा अभी आई एम श्योर अभी तो कुछ नहीं करेगा, लेट्स सी अगर आगे जाके वो कोई नॉन वैलेंटाइन डे पे वैलेंटाइन वाली कोई चीज़ कर दे, मे बी, आई डोंट नो। हाँ, मैं काफ़ी क्यूट चीज़ कर रहा हूँ तो आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी। मैंने तो अभी बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए, उसको नेकलेस भी दिया है। और हाँ, एक वैलेंटाइंस डे वाले दिन भी मैं कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूँ, जस्ट टू गेट अ स्माइल ऑन अ फेस, सो लेट्स सी वो कैसा आता है। Any special Valentine's surprise you've planned for your better halves in the show? नहीं 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 नहीं, वो तो आप शो देखो तभी पता चलेगा, अभी नहीं बता रहा, फिर मजा नहीं आएगा ना। Karan, a tip you would want to take from Kunal to impress Naina? Definitely, मेरा भाई बहुत ही romantic है यार, आपने देखा ही है किस तरह से वो मेघना को woo करते रहता है, and you know दोनों साथ में बहुत ही अच्छा, इनके scenes बड़े romantic आते हैं, तो definitely मैं करण भाई यार बड़ा भाई जरूर tips तो लेना चाहेगा, I'm sure भाई भी देगा मुझे, बट करण है नहीं ऐसा जाके टिप मांगने वाला, मे भी वो जाके ना चुपके से देखेगा भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, जाके खुद ट्राई कर लेंगे। नहीं बेटा, अभी करण का जो कैरेक्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चैलेंजिंग भी है इसके लिए, तो ठीक है, धीरे धीरे रोमांस भी ये ले ही आएगा बीच में, बट अभी जैसा कर रहा है वैसा करने तो इज डूइंग रियली गुड, तो अभी तो ऐसे ही चलने दो। टू थिंग्स यू लव अबाउट योर ऑन स्क्रीन वाइफ? आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझे लगा रियल लाइफ वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। अरे यार बताने देते ना, आपने भी मेघना पहले वो रियल का बताने वाला था, मैं भी सुन लेता। मेघना के लिए आई वुड से एज इन द कैरेक्टर, राइट, एक तो उसका जो लव फॉर फैमिली विच इज़ लाइक वेरी गुड, आई मीन लव फॉर फैमिली शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, और बाकी उसकी एक रियल क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कि काफ़ी सिंसियर है, तो एक एक रियल क्वालिटी और एक रियल क्वालिटी विच आई लाइक अबाउट हर। मैं यही कहूँगा कि नैना करण जिस तरह से नैना बिहेव करता फिर भी वो इतनी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है, सब एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है उसमें। ऐसा नहीं है कि यू नो करण को सब यूजुअली हटा ही देते हैं अपने रास्ते से, उसको जैसे डैड एंड ऑल सब सुना बना देते हैं, तो नैना ऐसी नहीं है, नैना पूरा अंडरस्टैंड करेगी, चलो कुछ प्रॉब्लम अगर है भी या करण ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है और उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है नैना में। और दूसरी यही है कि हंसती खेलती रहती है यार, बड़ी अच्छी लगती है, काफी क्यूट है मेरी साली। ये लो, इससे पूछ लेता ना, मेरे से क्यों पूछ लिया। टू थिंग्स यू वांट टू चेंज अबाउट योर ऑन स्क्रीन पार्टनर? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये ब्लंट एंड बोल्ड शुरू हो गया क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नैना मैं क्या चेंज करूंगा, नैना को चेंज करना होगा तो फिर करण नैना रहेंगे कैसे, हो तो जो करण नैना आज है वो आज नैना की वजह से और करण की वजह से ही है, तो चेंज तो आई डोंट वांट एग्जैक्ट एक्चुअली। बताओ, अभी तो इनमें इतना प्यार नहीं है फिर भी ऐसी बात कर रहा, तो मैं मेघना के बारे में कैसे कुछ बोल सकता हूँ, मैं तो उसके पीछे मतलब कॉलेज से दीवाना हूँ, so there's nothing even I would want to change it now. अब ये तो थे इनके real Valentine's Day plans. अब आइए इनसे जानते हैं इनके real life Valentine's plan. कल 9 बजे का call time है. कल call time अभी से आ गया और कल हम यहीं पे मिलेंगे आपको, आप आ जाना देख लेना, हमारे साथ मना लेना आप भी। जी सिंगल होके ही मना रहे हैं अभी, सिंगल होके यही मनाएंगे काम के साथ। आपने बोला ना ऑप्शंस बहुत होते हैं, मैं कल यहाँ काम कर रहा हूँ तो मतलब मैं सिंगल हूँ जी, उसके बाद देख लेंगे अगर हमें कोई ढूंढना होगा तो। हाँ वो अलग बात है, अभी कोई आके अप्रोच करेगी विश करेगी तो ऑब्वियसली हम ना नहीं करते जी। व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू बोथ? लव इज जस्ट द वन यू केयर फॉर, द वन यू रिस्पेक्ट, आई बिलीव दैट्स लव, इफ इवन इफ दैट्स योर पेरेंट्स, यू नो इट्स नॉट लाइक के आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए लव होना चाहिए। आई बिलीव अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी केयर करते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको अंडरस्टैंड करते हो और उनकी खुशी में आपकी खुशी है, दैट इज लव। प्यार दोस्ती है, लव इज समथिंग वेरी बिग यार, आई मीन लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है, बट आई फील फॉर मी इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स वेरी प्योर, तो लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि भाई मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, बट आई गेस थोड़ा टाइम देना चाहिए, प्यार काफ़ी लोगों के बदलते भी रहते हैं, बट हाँ समथिंग वेरी नॉलेज है इसको, पता है कब बदलते हैं, कंक्लूजन कब आना चाहिए, सब पता है इसको। आइडिया ऑफ अ परफेक्ट वैलेंटाइंस डे डेट? सबका अपना अपना ही होता है यार, हाँ तू बता यार। मेरे लिए आई वुड, मतलब अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट अगर कभी भी करूँगा किसी के लिए भी तो एक पूरा दिन प्लान करूँगा, मतलब मॉर्निंग से लेकर रात तक, जिसमें मूवी भी इंक्लूड हो सकती है, मूवी इंक्लूड होगी, स्पा होगा, एक स्विमिंग सेशन हो गया और फिर लेट नाइट कैंडल लाइट डिनर और समथिंग। उसको स्विमिंग नहीं आती हो तो
तो वो अच्छा ना बचाइयो जाके यार, और अच्छा होएगा तो समझ नहीं रहा है। स्विमिंग नहीं आती तो कुछ और कर लेंगे, बट हाँ एक पूरा दिन अच्छे से जकूजी कर लेंगे, जकूजी कर लेंगे वो सही रहेगा, डूबेंगे भी नहीं उस पर। तो हाँ एक पूरा दिन सिर्फ उसके लिए, सिर्फ जस्ट हर एंड मी। मैं उसमें से जकूजी वाला पार्ट ले लूंगा, बाकी तो बस ठीक है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अ स्पेशल गिफ्ट आइडिया फॉर योर पार्टनर, व्हाटएवर शी लाइक्स यार, जो उसको बहुत पसंद है हम तो वही करेंगे अभी, है ना। हाँ अगर मैं पूरा दिन प्लान करूँगा तो मैं एक ड्रेस दे सकता हूँ उसको कि रात को ये पहन के आना और समथिंग लाइक दैट, यू नो, उसके बाद समथिंग लाइक दैट। हाँ बट जो भी उसे पसंद होगा, उसकी पसंद तो हमें पता ही होगी, तो उसके हिसाब से कुछ अच्छा सा स्पेशल गिफ्ट दे देंगे। और वैलेंटाइंस मैसेज फॉर योर फैंस, हम तो मना नहीं पा रहे, बट आप मनाइए। हम एक्चुअली बड़े खुश हैं, मेरे जिस चीज को आप लव करते हो, हम अपने काम को लव करते हो, तो हम बहुत ही खुश हैं वैलेंटाइंस डे अपने काम के साथ मनाते हुए। नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स ऑफ कोर्स। एंड आपको भी अगर अपना काम पसंद है या कुछ और पसंद है, अगर आप वो कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे पे, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यू नो कपल होना जरूरी है। आप सिंगल में भी आपको जो पसंद है आप वो करो, दैट इज़ हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैन। हाँ मतलब कल मेरा शूट है, उसके बाद अगर मुझे जाना भी होगा तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल लाइक 3-4 लोगों का ग्रुप है, तो हम फिर वहाँ चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर के साथ ही आपको बाहर जाना है, आप किसी भी अच्छे दोस्त के साथ, किसी के साथ भी जा सकते हैं, इन्जॉय। इनफैक्ट सिंगल लोगों के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, है ना, जो ऑलरेडी कपल होता है उनका यही कि उसके साथ ही मनाना पड़ेगा। सिंगल का बहुत चीज़ें, यू कैन चूज। हाँ जो भी कर, किसी के साथ जाना है, फ्रेंड के साथ जाना है, किसी को कुछ काम करना है, बैठना है, चिल करना है, सुस्ती मारनी है, हैप्पी वैलेंटाइन डे यार, तकिया लो, पॉपकॉर्न लो, टीवी देखो भाई, हैप्पी वैलेंटाइन डे भाई, मन नहीं आए पे। हाय दिस इज समृद्ध बावा एंड यू वाचिंग मैन इंडिया फोरम्स, डू सब्सक्राइब द चैनल। India Forums wishes you all a very happy Valentine's Day. Don't forget for more updates on your favorite stars, like, share and subscribe on YouTube to India Forums, addiction at its best. Kajal Mishra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.